बहुत ही बुरी तरीके से उद्धव सरकार, शरद पवार की एनसीपी और नाना पटोले कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हार गए हैं इलेक्शन में। इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बहुत अलग गेम है जो बुरी तरह से हार गए। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये तीनों के तीनों अपोज कर रहे थे, तो अब जाके अचानक आदित्य ठाकरे के ऊपर माइनर गर्ल का केस खुला है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला है, लेकिन अब नई खबर आई है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। एनसीपी के लीडर मतलब नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर शरद पवार, कांग्रेस पार्टी के लीडर जो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी है उसके लीडर नाना पटोले महाराष्ट्र के, और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जो है UBT के मेन लीडर उद्धव ठाकरे, इन तीनों ने अनाउंस किया था कि बदलापुर में जो रेप केस हुआ है, बताता हूँ सुशांत केस का, बदलापुर में जो रेप केस हुआ है अक्षय शिंदे को जो अंदर किया है उसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेट करके उसको सजा मिलनी चाहिए। इस बारे में महाराष्ट्र को आज बंद करने वाले थे, 24 अगस्त को आज बंद करने वाले थे, लेकिन पब्लिक और कोर्ट ने पहले ये बोल दिया कि आप होते कौन हो बोलने वाले, ना आपकी सरकार यहाँ चल रही है, आप विपक्ष में बैठे हो, आपके पास कोई पावर नहीं है, फिर भी आप होते कौन हो ये बंद करने वाले, ये तो गुंडा राज चल रहा है। तो कोर्ट ने सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं बंद नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे ही भारत बंद हो गया था पिछली बार, क्योंकि SC ST के कुछ जातिवाद से लेके रिलेटेड ऑलरेडी भारत बंद था। महाराष्ट्र बंद करने की बात कर रहे तो आदमी काम कब करेगा, वैसे सैटरडे था, फोर्थ सैटरडे था, तो बैंक वैसे ही बंद रहती है, ऑफिस वैसे बंद रहते काफी सारे, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम ठप हो जाते, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ठप हो जाती है, और बहुत सारे पर्सनल काम ठप हो जाते हैं, और इसके केस में बंद करने का कोई तुक नहीं बनता। तो इन तीनों को मुंह की मार खानी पड़ी है कोर्ट के थ्रू, लेकिन कोर्ट ने इनका फटकार दे दिया। ये तीनों फिर भी वहां पे भाषण देने गए और बोला कि चलो कोर्ट से हम नाखुश है, कोर्ट के सफाई से हम नाखुश है, कोर्ट की मंजूरी से हम नाखुश है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हाँ हम कोर्ट की जो आई है रिजल्ट उससे हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम नाखुश है, ये उद्धव ठाकरे ने बोला। अब यहाँ बात करते हैं दूसरी, बदलापुर में जो केस हुआ उसके बाद वो कहा जाता है कि वो बीजेपी सरकार के ट्रस्ट के हिसाब से चलता है, वैसे ही जैसे आदित्य ठाकरे ने निशाना किया बीजेपी को, और बीजेपी ने बोला, अब एक नया खुलासा किया है जो मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि सिंधु दुर्ग में वाकई में तीन तीन केसेस है आदित्य ठाकरे के बच्चियों को उसके साथ दुर्व्यवहार करने के केसेस चल रहे। अब उसमें सुशांत सिंह राजपूत के माइनर केसेस की बात कर रहा हूँ, माइनर गर्ल की, कहा जा रहा है बहुत सारे सोशल मीडिया पे नाम आए थे कि वो माइनर गर्ल थी, और सीधा सीधा स्ट्रेचर पे बॉडी दिख रही है टेढ़ी, और वो बच्ची का एक छोटा सा ये भी दिख रहा है फेस। तो आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या है वो माइनर गर्ल्स वो नहीं है, और ये क्यों आज महाराष्ट्र बंद करने वाले थे, ये केस खुल रहा था इसके लिए, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच मी, बहुत बहुत धन्यवाद।